ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन की प्रिपरेशन क्या है ना, कीटोन की बनाने की विधियां देखेंगे। तो हम इसमें मेजर तीन विधि जो मेन होती है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कीटोन के प्रिपरेशन में पहली विधि है आपकी फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स। ठीक है, एसाइल क्या होता है आपका, एसाइल CH3 C डबल बॉन्ड O, ये जो इस तरह की स्पीशीज होती है इसको हम एसाइल बोलते हैं क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपको एडिशन करवाना है डाई इथाइल कैडमियम का। ठीक है, डाई इथाइल कैडमियम का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, कैसे होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होगा आपका जो सीएल वाला बॉन्ड है, क्योंकि क्लोरीन क्या है आपका अधिक विद्युत ऋणात्मक और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, वो शिफ्ट हो जाते हैं आपके क्लोरीन की तरफ। ठीक है, तो क्लोरीन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो कैडमियम है ये जिससे जुड़ा हुआ है आपका CH3 CH2 से, ये बॉन्ड भी आपका ब्रेक होता है। कैडमियम क्या है आपका, धातु, और धातु हमेशा कौन सा चिन्ह रखता है, प्लस चिन्ह। प्लस चिन्ह क्यों, इलेक्ट्रॉन दान करता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या कहलाता है, कैटायन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो कैडमियम ये प्लस होगा, ये माइनस है, प्लस माइनस बॉन्ड बना लेते हैं तो ये बना के बाहर हो जाएगा CDCl2, आपके पास भी बचा क्या आपका CH3। ठीक है, CO CH3 CO, यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल लेना है, ये दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन, 2CH3CO और यहाँ पे CH3CH2, यहाँ पे 2 लगा है मतलब ये CH3, ये बनेगा आपका चार कार्बन है, तो 1 2 3 4, चार कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, तो हमने लिख दिया ब्यूट। ठीक है, और ब्यूटेन, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, अगर ब्यूटेन ओन मतलब ये कीटोन टाइप की स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ओन, क्योंकि कीटोन में यहाँ सफिक्स क्या लगाते हो, ओन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आप देखते हो, जैसे आपने एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करी है CH3COCl के साथ में। ठीक है, तो आप लोगों के लिए टास्क लिख लो कि CH3 की जगह पे, ध्यान से सुनना, आप बेंजीन रिंग लगा के मतलब फिनाइल ग्रुप C6H5 लगा के ये सेम रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन परफॉर्म करनी है, फिर से बता देती हूँ, CH3 की जगह पे C6H5 लगा के सेम रिएक्शन करनी है। हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट ये नेम रिएक्शन है, नेम से भी आ सकती है, बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, किसके साथ है, वही आपका एसाइल क्लोराइड CH3COCl। ठीक है, फिर से बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, आपका सीएल से और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, यहाँ पे आप रेज्यूम करो, यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन है। ठीक है, हर कार्बन के पास में दो हाइड्रोजन होते हैं, CH2 CH2 CH2, कितने, 6 होते हैं ना, तो आप इस तरह से इसको शो कर सकते हो, ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होके किसके साथ में जुड़ जाए, क्लोरीन के साथ में, तो एच प्लस सीएल माइनस बॉन्ड बना के अलग हो गए, यहाँ पे क्या बचा है आपका एच प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस, और ये प्लस, तो माइनस प्लस बॉन्ड बना लेंगे, आपका बनेगा एसिटोफिनॉल, गॉट इट। नेक्स्ट आपकी लास्ट रिएक्शन होती है फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, नाइट्राइल्स क्या होते हैं, ये जो नाइट्रोजन आपका डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस टाइप की मॉइटी को हम बोलते हैं नाइट्राइल्स। ठीक है, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड and MgBr C6H5, ये आपका कंपाउंड है नाइट्राइल्स, इसको आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस को हम H3O+ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका HOH हो जाएगा। ठीक है, H+ और OH-, और फिर इस तरह से आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोपियोफिनॉन। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होके आपका प्रोपियोफिनॉन फॉर्म होगा।